हरी ओम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं कृपाल लोधी। दोस्तों, आज हम आपको लेकर के आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विकास और पेडागोजी संबंधी और अन्य संस्थाओं से संबंधित फुल फॉर्म। दोस्तों, आप किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षा की यदि तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह स्टेट लेवल की हो चाहे वह सेंट्रल लेवल की हो, तो स्टूडेंट्स यहां से निश्चित रूप से आपसे दो या तीन फुल फॉर्म पूछे ही जाते हैं। बड़ा अच्छा कलेक्शन हम आपके सामने लेकर के आए हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में आए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आइए प्रारंभ करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विकास संस्थाएं और पेडागोजी संबंधी फुल फॉर्म। फर्स्ट है स्टूडेंट्स, इसमें पहला है TAR। तो TAR का फुल फॉर्म होता है टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर, जो रजिस्टर में हम हाजिरी डालते हैं वही कहलाता है TAR, जिसमें शिक्षकों की उपस्थिति होती है। ये पोर्टफोलियो के अंतर्गत आता है। दूसरा है SAR। SAR का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अटेंडेंस रजिस्टर, स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर। तीन नंबर पे है PTA। PTA का फुल फॉर्म होता है पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन, शिक्षक अभिभावक संघ। चार नंबर पे है SMGC। SMGC का फुल फॉर्म होता है स्कूल मैथमेटिक्स स्टडी ग्रुप। स्टूडेंट्स आप इनको लिखते भी जाएं, नोट्स बना लें आप एक बार, तो हमेशा के लिए आपको तैयार हो जाएंगे। SMGC स्कूल मैथमेटिक्स स्टडी ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट्स, सुधार लेना स्कूल मैथमेटिक्स स्टडी, यहां एस कर लेना SGC स्टडी और यहां कर लेना जी ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट्स, SMSG हो जाएगा। पांच नंबर पे है CTET सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। CTET सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टूडेंट्स इसी प्रकार से आते हैं हिंदी में, हिंदी में हमने लिखे हैं, कहीं कहीं इंग्लिश में भी आते हैं, आपसे बन जाएंगे। छह नंबर पे है ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सात पे है TLM टीचर्स लर्निंग मटेरियल, टीचर्स लर्निंग मटेरियल शिक्षण अधिगम सामग्री। आठ पे है OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर। नौ पे है LED लाइट इमिटिंग डायोड। LED का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड। स्टूडेंट्स ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये प्रौद्योगिकी के अंतर्गत एजुकेशन में जो टेक्नोलॉजी होती है उसके अंतर्गत ये सिलेबस आ जाता है, इसलिए हमने ऐसी कुछ चीजों को यहां पर शामिल किया है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटिव है, तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत ये चीजें आ जाती हैं। तो OHP का फुल फॉर्म ओवरहेड प्रोजेक्टर, LED का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड, LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, VCD का फुल फॉर्म होता है वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, OBB का फुल फॉर्म है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, SSA को कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान, NLM का फुल फॉर्म है नेशनल लिटरेसी मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, 16 नंबर पे आप इनको लिखते जाएं एक बार फुल फॉर्म। STS का फुल फॉर्म है साइंस टैलेंट सर्च, साइंस टैलेंट सर्च। 17 पे है BPL, BPL का फुल फॉर्म है बिलो पुअर लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। ये पूछेगा स्टूडेंट्स, इसलिए हमने पेपर में से ही कुछ फुल फॉर्म उठाए हैं। 18 पे है APL अबव पुअर लाइन। 19 पे है अबव पुअर लाइन मतलब गरीबी रेखा के ऊपर के व्यक्तियों की जो सूची होती है वो APL के अंतर्गत आती है। 19 पे है DPEP। DPEP का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। 20 पे स्टूडेंट्स RET, RET RET रेशनल इमोटिव थेरेपी, ये संवेग तर्क चिकित्सा कहलाती स्टूडेंट्स, RET रेशनल इमोटिव थेरेपी। फिर 21 पे है SSRA स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी, SSRA स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी। 22 पे है NEP NAP नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम 2019, राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्टूडेंट्स ये 2019 की। फिर 23 पे है CCLE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रेहेंसिव एवेल्युएशन, ये स्टूडेंट सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को कहते हैं इंग्लिश में CCLE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रेहेंसिव एवेल्युएशन। 24 पे है LSRW, ये स्टूडेंट्स किसी भी जो भाषा सीखने का क्रम है वो है ये
LSRW, लिसन, स्पीक, रीड और राइट, या आप एक सूत्र याद कर लेना यहां से, ये सीक्वेंस बनता है सब पलें। क्या बनता है स्टूडेंट्स? सब पलें। तो सा से बनता है, कोई भी बच्चा जब शुरुआत में भाषा को सीखता है सा से बनता है, सबसे पहले वो सुनना सीखता है, बा से बनता है जिन चीजों को सुनना सीखता है फिर उन्हीं को बोलना सीखता है, पा से फिर पढ़ना सीखता है, और लास्ट में क्या सीखता है? लिखना सीखता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भाषा कौशल कहलाते हैं किसी भी छात्र के लिए, LSRW, लिसन, स्पीक, रीड और राइट। 25 नंबर पे स्टूडेंट्स यहां पर NCF, NCF का फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, NCF का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, NCF 2005, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। 26 पे है स्टूडेंट्स DPEP, DPEP का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, DPEP का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। 27 नंबर पे है MDM, जो भोजन मिलता है मध्याह्न भोजन, खासकर मध्य प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में। 27 में MDM का फुल फॉर्म होता है मिड डे मील। 28 पे स्टूडेंट्स एनसीईआरटी, राष्ट्रीय स्तर पर ये सिलेबस पाठ्यक्रम बनाने वाली संस्था है। 28 पे एनसीईआरटी, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। 29 नंबर पे स्टूडेंट्स एन की जगह एस कर दिया, SCERT, ये किसी भी राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम बनाने वाली संस्था होती है SCERT, तो यहाँ केवल स्टेट बस बदल जाना है, नेशनल की जगह स्टेट कहना है, तो SCERT का फुल फॉर्म होगा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। 30 नंबर पे स्टूडेंट्स SIEMT, SIEMT का फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट। क्या है स्टूडेंट्स? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट। 31 नंबर पे है DLED, ये जानते ही हो गए आप, ये DED की जगह वर्तमान में DLED पाठ्यक्रम प्रारंभ हो गया है, तो DLED का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, DLED का फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। 32 नंबर पे है DEO, ये जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। 33 नंबर पे स्टूडेंट्स BEO, ब्लॉक का सबसे बड़ा अधिकारी होता है खासकर मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखा जाए तो BEO का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। फिर DPC का फुल फॉर्म होता है जिला परियोजना समन्वयक कहलाते हैं DPC, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, DPC का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। और 35 पे है APC, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये APC का फुल फॉर्म होता है। आगे देखते हैं, ये कुछ अधिकारियों के फुल फॉर्म थे, इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको नोट करते जाएं। 36 नंबर पे है स्टूडेंट्स यहां BRC का फुल फॉर्म होता है, ये मध्य प्रदेश में शिक्षा प्रशासनिक शिक्षा व्यवस्था है, कभी हम अलग से पूरा इसका एक वीडियो ला देंगे, खासकर MPTET वाले छात्र जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पूरा शिक्षा प्रशासन व्यवस्था समझा देंगे, क्योंकि यहां से एक प्रश्न आता है, ये सिलेबस में है आपके। BRC का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। फिर 37 पे है BRCC, BRCC का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर, BRCC का फुल फॉर्म है ये। 38 पे लिखा है BAC का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स ब्लॉक एकेडमिक कोऑर्डिनेटर। 39 पे लिखा है CAC, जनशिक्षक कहलाते हैं, CAC का फुल फॉर्म होता है क्लस्टर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, CAC का फुल फॉर्म है क्लस्टर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर। स्टूडेंट्स 40 नंबर पे अगला देखते हैं, 40 नंबर पे लिखा है PMOST, PMOST का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचिंग, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचिंग। 41 पे है SOPT, सॉफ्ट का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्राइमरी टीचर्स। 42 पे BEP है स्टूडेंट्स, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। 43 पे है BTC का फुल फॉर्म होता है बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, इज द फुल फॉर्म ऑफ BTC। 44 पे है IPC, ये पूछा गया है स्टूडेंट्स कभी किसी एग्जाम में, वहीं से लिया। IPC का फुल फॉर्म होता है इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। 45 पे है DIET का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग,
जिला स्तर पर ये शिक्षकों की प्रशिक्षण संस्था कहलाती है डाइट। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज द फुल फॉर्म ऑफ डाइट। 40 पे है NIMH। NIMH का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड मानसिक रूप से विकलांग लोगों की राष्ट्रीय संस्था है NIMH, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड। 41 नंबर पे स्टूडेंट CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा बोर्ड कहलाता है ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। 42 नंबर पे स्टूडेंट्स KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन, KVS का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन। 43 नंबर पे है ADHD, ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। ADHD ये एक प्रकार की विकलांगता ही कहलाती है। ADHD मतलब अपनी बारी का इंतजार नहीं कर पाते, जो लोग इससे प्रभावित होते हैं वो चक्का टाइप के होते हैं, जल्दी जल्दी आगे आगे होते हैं, कहीं शांत नहीं बैठते ऐसे लोग। बताएंगे आगे इन जो मानसिक बीमारियां होती हैं खासकर छात्रों को। ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। 44 पे है TAT टेट थेमेटिक स्पर्सेप्शन टेस्ट। टेट का फुल फॉर्म होता है थेमेटिक स्पर्सेप्शन टेस्ट। ये व्यक्तित्व परीक्षण के टेस्ट हैं स्टूडेंट्स, प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आते हैं, पढ़ा देंगे कभी अगले वीडियो में। 45 पे है CAT। CAT का फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रन स्पर्सेप्शन टेस्ट, चिल्ड्रन स्पर्सेप्शन टेस्ट। ये भी व्यक्तित्व परीक्षण का ही टेस्ट है। यहाँ 46 नंबर पे लिखा है ID। ID जो मन की तीन अवस्थाएं होती हैं फ्राइड के अनुसार, तो मन की एक अवस्था होती है ID मतलब अचेतन मन, जिसमें व्यक्ति को कुछ भी खबर नहीं रहता, अच्छे बुरे की पहचान बिल्कुल भी नहीं होती, वह केवल सुख चाहता है, चाहे अच्छा काम करने से मिले चाहे गलत काम करने से। ठीक स्टूडेंट्स, वो ID कहलाता है। फिर मन की जो ये सबसे बेकार अवस्था होती है, सबसे खराब अवस्था होती है ID। फिर मन की दूसरी अवस्था होती है ईगो। ईगो मतलब कहलाता है अर्धचेतन मन, मतलब विचार करने पर व्यक्ति को अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है। यदि वो सोचता है तो उसके मस्तिष्क में जो चीजें होती हैं वो एकदम अंदर नहीं जाती, वो बीच में रहती हैं और प्रयास करने पर वो रिकॉल हो जाती हैं, वो बता देता है कि हाँ ऐसा करने से ऐसा हो सकता है और व्यक्ति सचेत हो जाता है, तो ये मन की मध्य अवस्था कहलाती है। और तीसरी जो कहलाती स्टूडेंट्स सुपर ईगो, सुपर ईगो को कहते हैं हम चेतन मन। और चेतन मन ये मन की आदर्शात्मक अवस्था है जिसमें व्यक्ति को सब कुछ खबर रहता है, सब कुछ ध्यान रहता है और वह केवल नियमों को ध्यान में रखते हुए, अनुशासन का पालन करते हुए नैतिक नियमों को ही अपनाता है। नैतिक नियम मतलब समाज ने जो बना रखे उसको सुपर ईगो की अवस्था कहते हैं। 47 नंबर पे स्टूडेंट CR। CR का फुल फॉर्म होता है कंडीशंस रेस्पॉन्स, CR कंडीशंस रेस्पॉन्स। 48 पे है SR। SR का फुल फॉर्म होता है स्टिमुलस रेस्पॉन्स। SR का मतलब है स्टिमुलस रेस्पॉन्स। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। 49 नंबर पे है DAT। DAT का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स ड्राइंग एजेंट टेस्ट, ड्राइंग एजेंट टेस्ट। 50 नंबर पे RT राइट टू एजुकेशन, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, राइट टू एजुकेशन RT का फुल फॉर्म। 51 पे है RTI, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005। ठीक है, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन। 52 पे है IQ स्टूडेंट्स, इसको इंटेलिजेंस क्यूसेंट कहते हैं, इंटेलिजेंस क्यूसेंट IQ। 53 नंबर पे है IAT। IAT का फुल फॉर्म होता है इंडिविजुअल एक्टिविटी टेस्ट। IAT का फुल फॉर्म होता है इंडिविजुअल एक्टिविटी टेस्ट। 54 नंबर पे स्टूडेंट्स लिखा है 4H, कभी पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लें। 4H का अर्थ होता है हेड हार्ट हेल्थ और हैंड। 4H का अर्थ होता है हेड हार्ट हेल्थ और हैंड। 55 नंबर पे स्टूडेंट्स NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। NCTE का फुल फॉर्म क्या होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। 56 नंबर पे है रमसा RMSA मध्य प्रदेश का ये शिक्षा पोर्टल है। रमसा का मध्य प्रदेश क्या पूरे भारत का ही शिक्षा पोर्टल है। 56 पे है रमसा। रमसा का अर्थ होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इज द फुल फॉर्म ऑफ रमसा। 57 नंबर पे है स्टूडेंट्स RMS। RMS का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। RMS का फुल फॉर्म क्या होता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। 58 नंबर पे स्टूडेंट्स NSS नेशनल सर्विस स्कीम। NSS राष्ट्रीय सेवा योजना। NSS का फुल फॉर्म है नेशनल सर्विस स्कीम राष्ट्रीय सेवा योजना। 59 नंबर पे है NCC नेशनल कैडेट कोर। NCC का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। 60 नंबर पे है स्टूडेंट्स BSTC। BSTC का फुल फॉर्म होता है बेसिक स्कूल टीचिंग कोर्स। बेसिक स्कूल टीचिंग कोर्स इज द फुल फॉर्म ऑफ BSTC। 61 नंबर पे है स्टूडेंट CMDC। CMDC का फुल फॉर्म होता है करिकुलम
करिकुलम मटेरियल्स डेवलपमेंट एंड एवैल्यूएशन, करिकुलम मटेरियल्स डेवलपमेंट एंड एवैल्यूएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां देख लेना, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। 62 नंबर पे स्टूडेंट्स एसडीएमसी, एसडीएमसी का फुल फॉर्म होता है स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी। एसडीएमसी स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी। 63 नंबर पे स्टूडेंट्स एनटीएससी, एनटीएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल टैलेंटेड सर्च एग्जामिनेशन, नेशनल टैलेंटेड सर्च एग्जामिनेशन। 63 पे है सिम्स, एसआईएमएस, एसएमआईएस का फुल फॉर्म होता है स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला स्टूडेंट 63 नंबर पे एवीएल, एवीएल का फुल फॉर्म होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, सहायक शिक्षक अधिगम प्रक्रियाओं के द्वारा या सहायक शिक्षण प्रक्रियाओं के द्वारा सीखना, एबीएल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। 64 नंबर पे स्टूडेंट डाइस, जो सभी स्कूलों के अलग अलग कोड होते हैं देश लेवल पे, तो 64 नंबर पे है डाइस। डाइस का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ डाइस। 65 नंबर पे स्टूडेंट्स एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्योंकि केंद्रीय स्तर पर शिक्षा विभाग नहीं होता स्टूडेंट्स, केंद्रीय स्तर पर देश लेवल पर केंद्रीय लेवल पर जो शिक्षा विभाग आता है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है, इसलिए हमें इसका फुल फॉर्म याद करना है एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते हैं। 66 नंबर पे स्टूडेंट्स लिखा है सी एन सेन, स्पेशल एजुकेशन नीड्स, स्पेशल एजुकेशन नीड्स इज द फुल फॉर्म ऑफ सेन। तो फिर स्टूडेंट्स इसमें हमने आपको 66 लगभग फुल फॉर्म बताए, और ये जो फुल फॉर्म का शिक्षक भर्ती संबंधी वीडियो है ये हमारा पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। स्टूडेंट्स शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में ये बाल विकास, साइकोलॉजी, पेडागोजी से रिलेटेड फुल फॉर्म तो पूछे ही जाते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन साथ में अन्य दैनिक जीवन में जो उपयोगी कुछ फुल फॉर्म होते हैं उनको भी पूछा जाता है। तो हमारी प्लेलिस्ट में हमने उन फुल फॉर्म को भी शामिल किया है जो एग्जाम रिलेटेड हैं, आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में, उनको आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। स्टूडेंट्स यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें, और यदि आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।